Hello dear students, welcome to digital learning platform Avinsam International School and today we are going to start class 7th history part 2nd. Part 1st हमने पिछले session में complete कर लिया था. 2nd हम start करने हैं पिछले वाले थोड़ा सा overview, यानी from previous session. हमने देखा क्या था? We saw that over time there are continuous changes in the terminology and this is the reason on the basis of which it would not be wrong to say that the history which we are reading today, then maybe those word mean something else at that time. अब हुआ क्या था कि जैसे कोई ruler है, कोई king है, कोई भी सम्राट है, वो अगर अपने बारे में लिखवाता कि उसने कौन कौन से donation किए हैं, उन कौन कौन से अच्छे काम किए, या फिर जो rule book है वो बनवानी होती उसको, तो क्या करता, एक particular राइटर को हायर करता जो उसके बारे में अच्छी अच्छी चीजें लिखता और उनमें से जो पसंद आती उसको वो स्वर्ण मुद्रा है यानी गोल्डन बॉल्स या फिर गोल्ड देके उसको हैप्पी कर देता और उसी बुक की बनानी होती थी जेरोक्स जिससे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उसको पब्लिश किया जा सके और लोग उसको पढ़ सके. तो उस वक्त प्रिंटिंग मशीन तो नहीं थी ना कॉपी मशीन थी, तो क्या करते थे, वो हायर करते थे किसको, जो उन कॉन्टेक्ट को कॉपी करके उनकी और ज्यादा जेरोक्स या फिर कॉपीज बना सके और वो सारा काम होता था हैंड रिटन, हाथ से लिखते थे. अब जैसे मैं बात करूं, अगर हम अपने फ्रेंड की कोई भी होमवर्क नोटबुक अगर कॉपी करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते और बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनका हम मीनिंग चेंज कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग जैसा हमें समझ में आ रहा है. तो बिल्कुल वैसा भी उस टाइम भी हुआ था और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स थे जिनके जो मीनिंग है वो टाइम के अकॉर्डिंग बदल दिए गए और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो अपने अकॉर्डिंग यानी सेंटेंस थे, अगर उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको लग रहा नहीं इससे इजी हो सकता है तो उसको और इजी लिख देते थे. अब मानो कि अगर एक ओरिजिनल कॉपी है उसकी अगर 100 जेरोक्स मैंने बना दी है तो 100 की 100 लिखने वाला या तो एक आदमी या फिर 100 आदमी जितने भी पीपल होते थे वो सारे लिखते थे और सब में कोई ना कोई चेंजेस होता था. इसलिए जितनी इस कॉपी हुई वो सारे डिफरेंट और अकॉर्डिंग टू टाइम इस ओरिजिनल कॉपी को तो बचा पाना पॉसिबल ही नहीं था. तो हमारे पास ओरिजिनल कॉपी तो नहीं है बट इन 100 जेरोक्स में से कुछ ना कुछ हमें मिल जाती थी तो फिर हमें उनको पढ़ना पड़ता और उसमें हमें केयरफुल रहना पड़ता कि हर एक मीनिंग जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था. नाउ इफ वी गो टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडिया और से हिंदुस्तान देन वी कम टू नो दैट इन द लास्ट सेवरल सेंचुरीज दिस वर्ड मीन द एरिया सिचुएटेड बिटवीन गंगा एंड यमुना एंड बिलोंग टू पंजाब एंड हरियाणा. यानी अभी से पहले थोड़े कुछ टाइम की पहले सेंचुरीज पहले की बात करें तो जो हिंदुस्तान वर्ड था जो प्रेजेंट में इंडिया के लिए यूज होता है या फिर इंडिया कहें तो इस वर्ड का मीनिंग क्या था, सिर्फ गंगा और यमुना के बीच का मैदान जिसमें पंजाब और हरियाणा इंक्लूडेड था, सिर्फ यहीं तक जो एरिया था वो पूरा फिक्स्ड था. यानी अगर कोई उस समय हिंदुस्तान अपनी बुक में या फिर अपने राइटिंग में उस वर्ड को अगर यूज कर रहा है इट मींस होता था कि वो किसकी बात कर रहा है, गंगा एंड यमुना के बीच का जो एरिया था यानी पंजाब हरियाणा और बाकी उससे जुड़े हुए उसकी बात कर रहा है, यानी पूरे जो इंडिया था उसकी बात वो नहीं कर रहा था. बट अकॉर्डिंग टू टाइम हम देखते हैं कि आज हम क्या करते हैं, जब भी अगर हम इंडिया या फिर इवन हिंदुस्तान अगर वर्ड भी हम यूज करें तो वो पूरे भारत के लिए यूज करें, वो ईस्ट टू वेस्ट साउथ टू नॉर्थ पूरा का पूरा मैप कवर होता है. एंड दिस वर्ड वॉज यूज बाय मिनहाज सिराज, किसने यूज किया था, मिनहाज सिराज इन द पॉलिटिकल सेंस फॉर दोज एरियाज विच केम अंडर द जुडिशन ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली. जो दिल्ली सल्तनत के जुडिशन एरिया में आता था उसके लिए मिनहाज सिराज ने पॉलिटिकली व्यू में उस वर्ड को यूज किया था. तो अगर हमें ये चीज पता है और हमने देखा कि मिनहाज सिराज की लिखी हुई कोई किताब हमारे पास अगर है और उसमें अगर हिंदुस्तान वर्ड लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान सबसे बुलंद हुआ करता था या फिर जैसा भी हो, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि उस समय का जो एरिया था जो दिल्ली सल्तनत के अंडर में आता था उसके जुडिशन में आता था यानी गंगा और यमुना के बीच का मैदान पंजाब और हरियाणा की बात कर रहा है. गॉट इट. एंड On the contrary, in the beginning of 16th century, कब की बात कर रहा हूं, 16th century, Babur used the word Hindustan to
to describe the geography, animals and bird of this subcontinent and the culture of its inhabitants. और 16th सेंचुरी में बाबर था. बाबर ने इस वर्ड का यूज किया हिंदुस्तान का. उसका मीनिंग क्या था? उसका मीनिंग था यहाँ की जो ज्योग्राफी थी, यहाँ का ज्योग्राफिकल एरिया, यहाँ के एनिमल्स और यहाँ के बर्ड्स जिस टाइप के थे या फिर जिस अकॉर्डिंग थे एनवायरमेंट के, उसके लिए उसने वर्ड किया था हिंदुस्तान यूज. तो अब हमें यह भी देखना कि बाबर की लिखी हुई या उसके द्वारा लिखवाई गई किताबों में या उस समय की जितने भी लेख हमें मिलते हैं उनमें हिंदुस्तान का मतलब क्या होगा, कि वहां की वो ज्योग्राफिक कंडीशन, एनिमल्स और उनके बर्ड्स के यानी एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहा है, वहां की जो पर्टिकुलर जो थिंग्स थी उनके बारे में बात कर रहा है, ना कि पूरे एरिया जिसको हम जानते हैं अभी. दिस यूज वॉज समवॉट सिमिलर टू द वर्ड हिंद. और वो जो वर्ड था बिल्कुल सिमिलर था हिंदुस्तान और हिंद के. यूज बाय द 14th सेंचुरी पोइट आमिर खुसरो. और जैसे हिंदुस्तान बाबर ने यूज किया, बिल्कुल वैसे ही जो अमीर खुसरो है जिनकी कविताएं हम पढ़ते हैं, जिनके दोहे हम पढ़ते हैं, उनकी द्वारा यूज किया गया जो एक वर्ड था हिंद. और बट वर इंडिया वाज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज ज्योग्राफिकल एंड कल्चर एंटिटी. और वहां जो इसका मीनिंग था वो थी इंडिया की ज्योग्राफी और उसका कल्चर, उसके जो ट्रेडिशन थे उससे उसका मीनिंग था. किनका? अमीर खुसरो का, जब उन्होंने 14th सेंचुरी में एक हिंद वर्ड जो है वो यूज किया था अपने लेख के अंदर, अपने रिटर्न में. एंड हिस्टोरियंस डिपेंड ऑन सम सोर्सेज टू नो द हिस्ट्री ऑफ एनी प्लेस और सर्टन पीरियड ऑफ टाइम विच वर रनिंग यूनिफॉर्मली फॉर ए लॉन्ग टाइम. अब जो हिस्टोरियंस, जो इतिहासकार हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें पर्टिकुलरली फिक्स जो सोर्सेज हैं उन पे डिपेंड रखना पड़ता था. अब जैसे मैं बात करूं कि जो प्रिंटिंग इन्वेंट हुआ था, जो राइटिंग इन्वेंट हुआ था, उससे पहले की बात करूं, बिफोर दिस, हम क्या देखते हैं कि जो हिस्टोरियंस थे हमारे वो किस पे डिपेंड थे? वो डिपेंड थे कॉइन्स पर, इंस्क्रिप्शंस पर, और जितने भी दस्तावेज लिखे गए थे, क्योंकि उस वक्त पेपर इन्वेंट नहीं हुआ था, पेपर लोगों को पता नहीं था, तो उससे पहले कि जितने भी सोर्सेस थे उन पे पूरे डिपेंड थे. कॉइन्स थे, वहां के इंस्क्रिप्शन थे, जितने भी अभिलेख लिखे गए, मैन्युस्क्रिप्ट थी, उन पे डिपेंड था. कौन? हिस्टोरियंस, इतिहासकार, जो हिस्ट्री को रिक्रिएट कर रहे थे. बट अकॉर्डिंग टू टाइम, जैसे हम देखते हैं कि एक पीक टाइम ऐसा आया था जिसमें जो पेपर था वो अवेलेबल होने लगा. तो पेपर था वो अवेलेबल होने लगा, लोगों को आसानी से पेपर मिलने लगा. और जैसे ही पेपर मिला तो मानो लोगों के हाथ में क्या लग गई, गहरा एक गोल्डन चांस लग गया. हर कोई लिखने लगा, फिर हर कोई लिखने लगा कि जैसे हमने बात करी कि एक कॉपी की 100 या फिर थाउजेंड्स जो जेरोक्स थी वो बनाई जाती थी. अब उनमें जो फर्क कर पाना, इनमें जो कंपैरिजन कर पाना बहुत ज्यादा हार्ड होता था. तो क्या करा जो हिस्टोरियन से, उन्होंने सोर्स का था, जो सोर्स थे वो लिमिटेड कर दिए कि हम इससे आगे अब नहीं जाएंगे, क्योंकि हर एक चीज को पढ़ पाना, उसको सॉल्व कर पाना, रिकॉर्ड करना पाना पॉसिबल नहीं था. सच एज इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन एंड बिल्डिंग प्योर आर्ट. बट विद टाइम सम थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट एज द नंबर एंड वेराइटी ऑथेंटिकेट राइटन मटेरियल इंक्रीज ड्रामेटिकली इन दिस एरिया. जैसा कि मैंने कहा कि जो राइटिंग थिंग्स थी वो ड्रामेटिकली बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, लोग बहुत ज्यादा उसकी जो जेरोक्स से जो कॉपी से वो बनवाने लगे. क्यों? पेपर इजीली अवेलेबल था और जो उसकी मार्केट प्राइसेस थी वो धीरे धीरे डाउन हो रही थी, उसका इन्वेंट हो चुका था, हर कहीं पेपर अवेलेबल था. और एक टाइम ऐसा था जब पेपर की जो प्राइसेस थी बहुत ज्यादा हाई थी, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा था. उस वक्त लोगों को क्या लगता था कि जो उनके पास पेपर है जो जरूरी नहीं लिखा गया है उन्हीं को वापस वॉश करके, वापस सुखा कर उन्हीं पेपर पर दोबारा लिखते थे. Beyond this, historians began to reduce use of different sources of information. अब जैसे कि मैंने कहा कि एक टाइम ऐसा था कि वहां अगर एक कॉपी थी उसकी कितनी 100 कॉपीज बना गई, और उसमें से अगर मेरे को 10 कॉपीज मिलती है तो मैं क्या करूंगा, उन सोर्सेज का यूज कम करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि सारे सिमिलर हैं बट कुछ एक वर्ड को छोड़कर मुझे इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा. तो जरूरी नहीं मैं अपना टाइम इस पूरे में वेस्ट करूं कि मुझे कितने चेंजेस देखने, हालांकि एक दो वर्ड हो, मीनिंग हो, चेंज हो जाते हैं, बट जो पर्टिकुलर रिसोर्सेस है जो हमें बताएंगे, इंडिकेट करेंगे कि हाँ ये एक पर्टिकुलर थिंग थी जो दोनों तरह या फिर दोनों यूनिवर्स में एक तरह सी थी. जैसे कि बात करूं, अगर मैं बात करता हूं कि मैं अगर
इंडिया में बैठा हूं कहीं, और मेरे को इंडिया की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो पता करनी है, अभी की नहीं पास्ट की, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे, क्या देखूंगा, जितने भी इंडिया में रूलर्स आए, जितने भी रूलर्स आए उन सब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी लिखी है, लिखवाई है, और उसमें नेचर का बहुत कम होगा, बट जो जिक्र है, जो इंट्रोडक्शन होगा नेचर का वो जरूर होगा, और साथ ही साथ में देखूंगा जो भी ट्रेवलर्स आए इंडिया के अंदर बाहर से, उन्होंने यहाँ की जो ज्योग्राफिक कंडीशन है उनके बारे में क्या लिखा है। तो अगर अगर वो दोनों चीजें मैच हो जाती या फिर सिमिलर होती, इट मींस कि वो सही बात कर रहे हैं, इट मींस कि जो लिखा गया वो ट्रूथ है। बट अगर मुझे एक ही चीज की या फिर एक ही जो सोर्स की 100 कॉपीज मिले, वो भी डिफरेंट डिफरेंट लिखी हुई, तो मेरे लिए क्या वो सोर्स जो है वो इंपॉर्टेंट है? नहीं, वो मेरे लिए कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो ऐसे करते करते जो हिस्टोरियंस थे, इतिहासकार थे, उन्होंने इन रिसोर्सेज का यूज करना कम कर दिया कि हम इनका यूज नहीं करेंगे रीड करने में, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जो झूठी बातें हो सकती है वो लिखी हो सकती है, बिकॉज बाय दिस टाइम पेपर हैड बिकम वेरी चीप एंड वाइडली अवेलेबल, टिल दैट टाइम द प्रिंटिंग प्रेस वॉज नॉट मैड, सो द स्क्राइब्स और कॉपीज used to make manuscripts by hand in which it was normal to have mistakes. चाहे कितना ही बड़ा इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कितना ही बड़ा बुद्धिमान कैसा भी इंसान क्यों ना हो, अगर अगर वो किसी एक पर्टिकुलर थिंग की कॉपी पेस्ट कर रहा है तो आई एम 110% श्योर कि कहीं ना कहीं वो मिस्टेक्स जरूर करते हैं। अब मिस्टेक्स कैसे, कि जो ओरिजिनल कॉपी है मानो उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई गलती से, तो हमने क्या करा, सेकेंड टाइम उस स्पेलिंग मिस्टेक को सही कर दिया, तो क्या हो गया, चेंज आ गया। अगर यहां कोई ऐसा वर्ड है जिसको मैं थोड़ा इजी कर सकूं ग्रामेटिकली, तो मैंने वो कर दिया तो उसकी थर्ड कॉपी बन गई, इट मींस कि फिर चेंज आ गया। तो ये होना नॉर्मली था कि कोई भी इसको कॉपी पेस्ट करेगा तो उसमें चेंजेस जरूर करेगा। मैंने भी अपने ओवर कॉपी किए थे स्कूल टाइम में, और बहुत सारे ऐसे मीनिंग होते थे जिनको मैं चेंज कर देता था अपने अकॉर्डिंग, जो मुझे समझ में आए और मुझे इजी लगे। तो ये नॉर्मल बिहेवियर है, बिकॉज इट वॉज नॉट नेसेसरी दैट द कॉपीज कुड अंडरस्टैंड द ओरिजिनल राइटिंग, ही यूज्ड टू राइट लेटर्स सिमिलर टू इट एंड विच चेंज्ड देयर मीनिंग ओवर टाइम। और कभी कभी यह होता था कि हमारे क्या 100 तरह के मूड होते हैं होमवर्क करने के, कभी म्यूजिक सुनते सुनते, कभी डायरेक्ट करते, तो हर बार देखते हैं हम कभी ना कभी हमारे राइटिंग में अप एंड डाउन होते रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं राइटिंग जब हमने जल्दबाजी में करा था या फिर हमारे पास टाइम नहीं था होमवर्क करने का, तो हम इतना स्पीडली करते हैं कि कुछ मीनिंग हम डॉक्टर की हैंड राइटिंग में लिख देते, और जब हमें ही उनको कॉपी करना था, वापस उसका रिविजन करना था, तो हम क्या करते हैं उसको दोबारा चेंज कर देते हैं जो हमें उस वक्त दिख रहा था, जबकि पर्टिकुलर जो वर्ड है वो वैसा नहीं होता। तो चाहे किसी से मिस्टेक्स हो या फिर चेंजेस हो, वो चेंजेस होते थे, वो डैम श्योर है। तो जब हमें पता है कि इतने चेंजेस हो सकते हैं या फिर हुए होंगे, तो हिस्टोरियंस क्या करते हैं, जब भी उन चीजों को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, या फिर एक पूरे टाइम ट्रेवल में अकॉर्डिंग टू टाइम सेट करते हैं, तो वो इस चीज का खास कर ध्यान रखते हैं कि हमसे ऐसी मिस्टेक्स ना हो। अगर हमें कोई लगता था कि एक अच्छा कुछ कंफ्यूजन में है, तो हम वेट करते थे कि इसका कोई सेकेंड पैरेलल टाइम का रिसोर्स या फिर सोर्स हमें मिल जाए, जिससे हम इसको क्या करते हैं वापस रीचेक कर सके कि हाँ अगर दोनों में कुछ चीजें सिमिलर, इट मींस कैसा हुआ होगा। एंड समटाइम्स अकॉर्डिंग टू दियर कन्वेंस दे यूज टू चेंज द वर्ड इजिली और बाय देमसेल्व्स, और कभी ऐसा होता जैसा कि मैंने कहा इजी लग गया तो चेंज कर दो। एंड ड्यू टू दिस डिफरेंट कॉपीज ऑफ द सेम बुक पर मेड, और ऐसे करते करते सिर्फ एक ही बुक की अलग अलग जो कॉपीज थी वो बन जाती थी, और जब अलग अलग कॉपीज है, ओरिजिनल बहुत पहले लिखी गई थी, और जब हमें पता था कि पेपर वो इतना सेफ नहीं था, उसमें केमिकल यूज नहीं होता था, और क्योंकि वो प्योर जो वुड थी उससे बनता था, तो जो जितने भी इंसेक्ट थे उनको खा जाते थे, खराब कर देते, और इंसेक्ट तो होते ही ऐसे, उनको कोई चीज बस दिखी नहीं कि साफ कर देते, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऐसे करके खत्म हो गए। बाकी जो 100 कॉपीज थी उनमें से मुश्किल से अगर 2-3 हमें मिल गई
तो हमारे लिए वो थोड़ा हार्ड हो जाता था कि अगर जरूरी नहीं कि जो ये मीनिंग है उस वक्त ऐसा यूज किया गया हो। तो जैसे कि हमने कहा था जो हिंदुस्तान का मीनिंग है, तो हिंदुस्तान का जो मीनिंग था वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था, बट जो लिखने वाला राइटर थे उन्होंने हिंद किया, किसने हिंदुस्तान किया, कि हिंदे जहां करा। तो ऐसे करते करते हमें पता होना चाहिए कि जिस पर्टिकुलर टाइम में इसको लिखा गया तो उस टाइम पर उस जो वर्ड था उसका मीनिंग क्या रहा होगा। तो इससे हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ जो राइटर है, जो लिखने वाला है, वो क्या कहना चाहता है। And this created a serious problem because of the original writings which have hardly survived. We have to study their copies which are not always correct. और जब document नहीं मिलते तो हमारे पास last option बचता था कि एक कहते हैं कि कुछ नहीं से कुछ होना ही बेहतर है ना, कुछ ना मिले उससे बेहतर कुछ करना ही सही है। तो जब हमें original document नहीं मिलते तो हम क्या करते हैं, ठीक है copy मिली हम वही पढ़ लेंगे। बट उससे भी बहुत सारे जो डाउट्स थे हमारे, बहुत सारी चीजें वो क्लियर हो जाती थी, हालांकि कुछ में मिस्टेक से। बट अगर हम इन चीजों का ध्यान रखते, जैसे वर्ड मीनिंग्स का ध्यान रखे, तो हम उनको भी करेक्ट वे में रीड कर सकते हैं। ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। अब एक वर्ड आता है आर्काइव, अ प्लेस वर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड। टूडे ऑल नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव आर्काइव्स फॉर They keep all their old official record and transaction. अब एक आर्काइव्स जगह होती थी, अब चाहे पहले की बात करो चाहे बाद की बात करो, और इसका जो इंस्पिरेशन था वो एंशिएंट टाइम से चला आ रहा था कि हमने जो लिखा है, हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो हमें बचा के रखने। और जब हम प्रेजेंट में बात करते हैं कि हमारे पास हिस्टोरियंस के हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको सेव करके रखेंगे ताकि फ्यूचर में हम उनको वापस करेक्ट कर सके या फिर उसको रीड आउट कर सके। तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग क्या बात करते हैं कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे ऑफिशियल्स, कभी भी उनको पब्लिश नहीं किया जाता, उनके जो ट्रांसलेशंस हैं, उनके जो अनुवाद हैं दूसरी लैंग्वेज में, या जो राइटर उनको ट्रांसलेशन कर रहा है वो अपनी बुक्स उनको पब्लिश करता था। इसलिए जितने भी ओरिजिनल रिकॉर्ड थे वो म्यूजियम्स में या फिर आर्काइव्स में रखे जाते थे। और आज का जो प्रिंटिंग मीडिया है वो इतना एडवांस है कि जितनी ओरिजिनल कॉपी है उनके फोटोग्राफ्स, उनके जेरोक्स पब्लिश हो रहे हैं। तो धीरे धीरे जितने पेडागोजी है, जितने मीनिंग है जो पहले से चलते आ रहे थे, उनका जो मीनिंग है कहीं ना कहीं डिफरेंट हमें फील होता है। अ पेंटिंग ऑफ ए स्क्राइब मेकिंग अ कॉपी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, दिस पेंटिंग इज ओनली 10.5 सेंटीमीटर बाय 7.1 सेंटीमीटर इन साइज, बिकॉज ऑफ इट्स साइज इट कॉल्ड अ मिनिएचर। And miniature paintings were sometimes used to illustrate the texts of manuscripts. They were so beautiful that later collectors often took the manuscripts apart and sold just miniatures. क्या करते थे वो? अब हमें पता है कि हमारे पास एक document है। किसी ने hire किया, किसी को भी hire किया, कोई भी writer, जिसकी भी handwriting beautiful उसको hire किया और बोला कि आपको क्या करना है? आपको इसकी बहुत सारी या फिर जितनी copy आप बना सके वो बनानी है, but पहले से वो फुल और अच्छी अट्रैक्टिव लगनी चाहिए, जिससे अगर हम कहीं पब्लिश करें तो जो रीडर है वो उसको पूरा उतने ही कंसंट्रेशन से उसको रीड करे, उनको पता चले कि आखिर हमने कितने महान काम किए। तो ऐसे करते जो कॉपीज होते थे वो क्या करते हैं, बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में उनकी कॉपीज बनाते। और जैसा कि मैंने कहा, जब हम होमवर्क कॉपी करते हैं तो कंप्लीटली हमें पता है कि 110% हमसे मिस्टेक होगी और होती है, तो वही मिस्टेक्स जो थे या फिर जिनका वर्ड चेंज करते हैं वो हम कह सकते हैं यहाँ कर देते थे। और जो कभी कभी क्या होता था, बुक है 100 पेजेस की है, ये मैन्युस्क्रिप्ट क्या करते थे, उनको छोटी कर देते 10 पेजेस की, 20 पेजेस की, 30 पेजेस की, ताकि इजिली रीड होके खत्म हो जाए, तो बोर ना हो। तो बहुत सारी चीजें वहां भी छूट जाती थी उनसे। डिफरेंट काइंड ऑफ हैंड राइटिंग कुड मेक द रीडिंग ऑफ पर्शियन एंड अरेबिक डिफिकल्ट। द नेस्टलिक स्टाइल ऑन द लेफ्ट इज कर्सिव एंड इजी टू रीड, शिकास्ते ऑन राइट इज डेंसर एंड मोर डिफिकल्ट। अब राइटिंग की बात करें, पहले राइटिंग कैसी थी, जैसा लिख रहे थे हम, हिंदी 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 की राइटिंग चेंज हो रही है, अभी कर्सिव है, और इंग्लिश में भी बहुत सारे टाइप्स हैं लिखने के, और बिल्कुल वैसे ही अब अगर बात करें हम लेफ्ट वाले की, तो ये पढ़ना थोड़ा हमारे लिए ईजी है क्योंकि इसमें जो वर्ड है वो थोड़े दूर दूर है, अगर उसको ट्रांसलेट किया जाए तो इजिली कर सकते हैं। और यही बात करें हम कर्सिव की,
तो थोड़ा पढ़ना डिफिकल्ट, अगर कोई परफेक्ट है प्रोफेशनल है वही उसको रीड कर पाएगा, हर कोई रीड नहीं कर पाएगा। और हमें पता है आज हम मोस्टली जो है कर्सिव राइटिंग यूज करते हैं, और डॉक्टर की राइटिंग की बात करें तो वो बिल्कुल भी हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि वो सिर्फ उसका शॉर्ट लिखता है, वो समझ में आती है सिर्फ मेडिकल वाले भैया को जो उन प्रिस्क्रिप्शन देखकर मेडिसिन देते हैं। तो कुछ ऐसा ही उस समय भी था। The value of paper compare the following. अब जो पेपर की वैल्यूशन थी, एक टाइम पे पेपर जब था ही नहीं तो करोड़ों के दाम चल रही थी, ऊपर जैसे जैसे पेपर इजीली अवेलेबल हो गया तो वो चीप प्राइसेस में मिलने लगा। फर्स्ट इन द मिडल ऑफ 13th सेंचुरी अ स्कॉलर वांटेड टू कॉपी अ बुक बट ही डिड नॉट हैव इनफ पेपर सो ही वॉश्ड द राइटिंग ऑफ अ मैन्युस्क्रिप्ट ही डिड नॉट वांट ड्राइड द पेपर एंड यूज्ड इट। कब की बात कर रहे हैं? 13th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, जब किसी स्कॉलर को किसी को भी राइटिंग लिखनी होती थी, किसी को भी जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसको ट्रांसलेट कुछ भी करना होता था, वो क्या करता था, जो पेपर उसके पास है अवेलेबल, अगर उसकी जरूरत नहीं है, कोई स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है, तो उसको पहले वॉश करता, उस वहां से इंक जो है वाइप करता, उसके बाद उसको दोबारा उस पर लिख देता था जो कि पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। और अगर हम उसके बाद करें सेंचुरी लेटर, इफ यू बॉट सम फूड इन द मार्केट यू कुड बी लकी एंड हैव द शॉपकीपर रैप इट फॉर यू इन सम पेपर। अब हम पता लग जाएगा कि 13th सेंचुरी में जो पेपर की जो वैल्यू थी, जो प्राइसेस थे, वो बहुत ज्यादा हाई थी, बट 14th सेंचुरी की बात करें तो पेपर चीप प्राइसेस में अवेलेबल था, क्योंकि जब शॉपकीपर उसको लपेट के दे रहा है इट मींस कि उसकी जो वैल्यू है वो लो वैल्यू हो गई, मतलब आसानी से अवेलेबल था। और उससे पहले की बात करूं, मैं बात करूं चीन की, बीजिंग की वगैरह उस जगह की, तो वहां पेपर बनाने की कारखाने थे बेसिकली, और कुछ इस तरह से लोग जो लकड़ी होती थी उसको कूट काट के भिगो के समुद्र में पूरी रात भिगो के छोड़ते, फिर उसको एक साथ रख के सुखा के उनका पेपर बनाते थे। तो कुछ यही जो तरीका है वो पेपर बनाने का है आउट ऑफ द न्यूज सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। तो हमने देखा कि पास्ट वाले सेक्शन में हमने क्या करा था कि जितने भी सोशल क्लास थे और जो टर्मोलॉजी थी वो टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज हो रही थी, बट धीरे धीरे एक नया सोशल ग्रुप, एक नया सामने आया, द स्टडी ऑफ द 1000 ईयर्स बिटवीन 700-1715 इज अ ह्यूज चैलेंज टू हिस्टोरियंस largely because of the scale and variety of developments that occurred over period. और 700 से 1715 ऐसा टाइम था जो इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर रेवोल्यूशन का टाइम था, जहां पर इतने सारे इन्वेंशन हुए और वो इतनी स्पीडली हुए कि जो हिस्टोरियंस है उनको एक अडेप्ट कर पाने में या फिर रिकॉर्ड करने में बारे में हार्डली सक्सेस हुए। एंड एट डिफरेंट मोमेंट्स इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस लाइक पर्शियंस व्हील इन इरिगेशन, द स्पिनिंग व्हील इन वेविंग एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट। क्या हुआ था, जैसे ही व्हील का इन्वेंशन हुआ वो पागल से हो गए, क्योंकि व्हील एक ऐसा कंपोनेंट था जो ट्रेवलिंग में बहुत ज्यादा इजी होने लग गया। पहले क्या करते थे लोग, वॉक करते थे, जितना भी सामान होता था वो जितने उनके पास होते थे डोमेस्टिक एनिमल्स उन पर लाते थे, और जब से व्हील इन्वेंट हुआ है तो बहुत सारा सामान एक साथ में ले जाना इजी हो गया, ट्रेवल करना इजी हो गया, और जो थिंग्स को स्टोर करना बहुत ज्यादा इजी हो गया। और जैसे ही व्हील का इन्वेंशन हुआ, स्पिनिंग व्हील का एंड वेविंग एंड फायर आर्म्स, यानी ऐसे हथियार यूज होने लगे जिनमें आग का यूज होता हो, इट मीन्स की जलने वाले तीर के पीछे आग लगाते, छोड़ते उनको, फिर आगे पे जितना भी होता वो सारा ध्वस्त हो जाता, राख हो जाता। वो कह सके कि जितनी जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आई है वैसे वैसे जो ह्यूमन है वो मॉन्स्टर बनता गया, क्योंकि हम देखते हैं पास में क्या होता, पत्थरों से लड़ते थे जानवर से, फिर जैसे इन्वेंशन हुए न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनने, यानी एक न्यूक्लियर बॉम्ब अगर कहीं गिर गया तो वो वहां की जनरेशन की जनरेशन क्या कर देता, डिस्ट्रॉय कर देता। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास है हिरोशिमा नागासाकी, वहां न्यूक्लियर अटैक हुआ था और आज तक यानी प्रेजेंट टाइम तक वहां उसके जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलते हैं, बहुत सारे डिजीज हैं वो अब तक उनकी जनरेशन में चल रही है। न्यू फूड्स एंड बेवरेज अराइव्ड इन सब कॉन्टिनेंट, पोटेटोस, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफीज। सबसे ज्यादा जो हम देखते हैं वो टी एंड कॉफी का देखते हैं, क्योंकि बेवरेज था वो हर जगह यूज हो रहा है,
कोई आया तो चाय पिलाओ, गया तो चाय पिलाओ, मरा तो चाय पिलाओ, घूमने जाए तो चाय पिलाओ, क्योंकि ये एक तरह का ड्रग हो गया था। क्योंकि इससे क्या होता, जैसे पीते थे उनको फील होता कि हाँ हमें क्या आ गई है, एनर्जी आ गई है। और आज के टाइम की बात करें तो आज भी बहुत ज्यादा बेवरेज जो है वो कंज्यूम होते हैं। और बात करें फूड टाइप्स की, तो जैसे उन्हें पता चला कि पोटेटोज है, कॉर्न है, चिलीज है, उनके जो कुकिंग स्टाइल्स है वो कंटिन्यू चेंज होने लगे। पहले क्या खाते थे, रॉ मीट मिल गया, फिर उन्होंने क्या करा, इन्वेंट करा कि अच्छा आगे में गलती से गिर गया रोस्टेड चिकन, तो चिकन को रोस्ट करके खाओ। फिर क्या क्या पोटेटो के साथ ट्राई करा, फिर कॉर्न के साथ ट्राई करा, तो ऐसे करके कॉर्न फिर जो पॉपकॉर्न है वो सारी बनने लगी। तो जो फूड टाइप्स है वो कंटिन्यू हो रहे थे, चेंज हो रहे थे। अगर ये चीजें हिस्टोरियन को एडप्ट कर पाना उतना ही हार्ड था जितने इनके जो सोर्सेज है मिलना वो पॉसिबल नहीं था। Remember that all these innovations, new technologies and crops came along with people who brought other ideas with them as well. क्या हुआ था, जितनी नई टेक्नोलॉजी आ रही थी वो किस बेस पे आ रही थी, लोग अपने आप को डेवलप कर रहे थे, एजुकेट कर रहे थे। तो जैसे ही लोगों के थिंक चेंज हुई, नए इन्वेंशन हुए, तो इन्वेंशन के साथ लोगों के नए नए आइडियाज भी आ रहे थे, नई जनरेशन आ रही थी, ऐसी जनरेशन जो उस सोसाइटी को रिवॉल्ट करते, पूरी तरह से रिवॉल्यूशन कर दे कि जो पहले की सोसाइटी थी उनको बिल्कुल ही चेंज कर दे। और वो हमें दिखता है वॉर, जितने भी कॉम्बैट वॉर्स थे, जितने भी हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंट थे, बॉम्ब्स थे, वो सारे इन्हीं में हमें जो एक एग्जांपल दिखता है वो इजिली विजिबल है। एज ए रिजल्ट दिस वॉज ए पीरियड ऑफ इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल एंड कल्चर चेंजेस। और ये टाइम ऐसा था कि हर कोई सोचता था कि मैं क्या हूं, पावरफुल हूँ। इकोनॉमिकली एक सोसाइटी को डेवलप करने के लिए फोर्स होने लगा, वहां का पॉलिटिकल व्यू स्ट्रांग होने लगा, सोशल लाइफ थी वो बढ़ने लगी, और जो कल्चर था वो चेंज होने लगा। लोगों को कहते थे कि वहां जाके वो देते थे प्रवचन देते थे कि हमारे देवता ऐसे हैं, हमारे ऐसे। जो कल्चर था, डाइवर्जेंस था, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लोग धर्म में विश्वास करने लगे थे कि नहीं, हमारा एक पर्टिकुलर धर्म है और कोई भी हमें क्या नहीं कर सकता, हमें कोई भी इस बेस पे टॉलरेट नहीं कर सकता। तो अगर किसी दूसरी कम्युनिटी ने हम पर ऐसा कुछ करा तो हम क्या करेंगे, हम हमारी पॉलिटिकल एंड सोशल पावर को यूज करेंगे। एंड दिस वाज आल्सो पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। और यही ऐसा पीरियड था जब धीरे धीरे पता लगने लगा लोगों की कि हम जो है वो क्या कुछ नहीं कर सकते। ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। और जैसा कि हमें पता है कि अगर हम आदिमानव की बात करें, होमो सेपियंस की बात करें, तो वो कहाँ रहते थे, पहाड़ों पर, जंगलों में, जहां उन्हें सुविधा मिले। बट जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, लोगों का जो ब्रेन है वो डेवलप हो रहा है, क्या सोच रहे हैं कि अगर हमें कोई ऐसा प्लेस मिल जाए जहां पे जो हमारी बेसिक नीड है वो पूरी तरह से बिना किसी हार्ड वर्क के कंप्लीट हो पाए, जैसे कि वाटर है, इजीली अवेलेबल हो, बट साथ ही साथ ध्यान रहे हमें कि जितने भी नेचुरल डिजास्टर है, फ्लोड्स है, टोर्नेडो है, या फिर अर्थक्वेक है, उनसे भी हम बचे रहे। और जो हमारा फूड सोर्स है, हम ऐसे लैंड पर रहें जो एग्रीकल्चर लैंड हो, जहां पे जो क्रॉप्स हैं हमें वो कंटिन्यू मिलती रहे। तो क्या करें, हम इजीली वहां आराम कर सके और हमारे जो बेसिक नीड्स है वो भी पूरी हो सके। और जैसे हमें पता है, जैसे व्हील आ गया था, तो लोगों के लिए एक पूरे के पूरे ग्रुप में ट्रेवल करना बहुत ज्यादा ईजी हो गया था। एंड द सबकॉन्टिनेंट हैड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज फॉर पीपल टू कर्व अ फॉर्च्यून। और ये एक ऐसा समय था जब लोग अपने आप, या फिर अपने कहते हैं कि अपने फॉर्च्यून को चेंज कर रहे थे, अपनी किस्मत बदल रहे थे, क्योंकि इतना ज्यादा इन्वेंशन हो रहा है, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी वो बिल्ड हो रखी थी कि लोग एक तरह से कह सकते पागल से हो गए थे, बस अबे हमें अब जो है वो यही करना है। एंड देन ये कुछ इस तरह से जो व्हील थे पहले यूज किए जाते थे, अब तो बहुत एडवांस हो गए, मेटल के व्हील हैं, इतने स्मूथली चलते हैं, बट पहले जब व्हील के इन्वेंशन हुए थे, स्टार्टिंग वाले व्हील कुछ ऐसे बनाए जाते थे। बाद में बात करते हैं, वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इंपोर्टेंट इन दिस पीरियड वर राजपूत, अ नेम ड्राइव्ड फ्रॉम राजपुत्रा द सन ऑफ रूलर। यानी राजपुत्रा से एक नाम आया है राजपूत, क्योंकि क्या होता था, सन ऑफ ए रूलर, कोई भी जो रूलर होता था उनके बेटा, राजपुत्र के नाम से ही राजपूत जो है एक नेम ड्राइव हुआ था। बिटवीन 18th एंड 14th सेंचुरीज द टर्म वाज अप्लाइड मोर जनरली टू अ ग्रुप ऑफ वॉरियर्स हु क्लेम्ड क्षत्रिय कास्ट स्टेटस।
अब ये जो वर्ड था, ये जो राजपूत नाम का वर्ड था, ये टर्म थी, ये किन के लिए यूज किया गया? ये वॉरियर्स के लिए यूज किया जाता, मतलब ऐसे योद्धा, शूरवीर योद्धा, उनके लिए यूज किया जाता था जो क्षत्रिय कास्ट थे। और क्षत्रिय कास्ट क्या होता, मतलब ऐसा ऐसा एक कास्ट होती है जो लोगों की रक्षा के लिए जाने जाते हैं और अच्छे वॉरियर के रूप में जाने जाते हैं, उनके लिए यूज हुआ था। एंड द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर एंड चीफटेंस बट आल्सो सोल्जर्स एंड कमांडर्स हु सर्व्ड इन द आर्मीज ऑफ डिफरेंट मोनार्क्स ऑल ओवर सब कॉन्टिनेंट। और जो ये राजपुत्र, जो क्षेत्रीय कम्युनिटी जो नाम हो रहा था, ये सिर्फ वॉरियर्स के लिए नहीं हो रहा था, जितने भी सोल्जर थे उनके लिए, सोल्जर के रूलर के लिए और जितने भी कमांडर थे सबके लिए यूज हो रहा था ये वर्ड, क्योंकि ये एक ऐसी कम्युनिटी थी जिनको अगर किसी वॉर में उतार दिया तो दो होते थे, या तो वो वॉर जीतना फिक्स हो जाता, दूसरा वो हार नहीं मानते थे कभी भी, अगर सर कट जाएगा वो मंजूर है बट हार मानना मंजूर नहीं होता था। एक ऐसी कम्युनिटी थी जो उस वक्त ज्यादा ग्रोप हो रही थी, और कुछ ऐसे लोग थे जिसे राजपुत्र राइवल्स थे, वो सारे मतलब यूं भाले तीर भाले लेकर भारी भारी हथियार लेके हमेशा तैयार रहते थे। A chivalric code of conduct, extreme valor and great sense of loyalty were the qualities attributes to Rajputs by their poets and bards. उनके जितने भी poets थे वहाँ के, तो उन्होंने बताया इनके बारे में कि जो loyalty है इनमें वो कहीं और देखने को नहीं मिली किसी एक शासक के लिए, जो अपने ठान लिया कि हमें इस शासक की, इस ruler को क्या करनी है, safe रखना है, तो खुद मर जाएंगे but उनको कुछ भी नहीं होने देंगे, ऐसी जो लॉयल्टी थी इनके बारे में जो उनके बताई, जो वहां के पॉइंट और बार्ड थे उन्होंने बताई। एक्सट्रीम वैलर, और इतने होते थे, मतलब अगर यूं था, अगर वॉर आपने उन्होंने वॉर में भेज दिया है, उनको राजपूत को वॉर में भेज दिया है, तो ऐसा भयंकर वहां का माहौल हो जाता था कि जो ओपोनेंट था कुछ तो डर के ही भाग जाते थे, इतने शूरवीर योद्धा कहे जाते। Other groups of people such as the Marathas, Sikhs, Jats, Ahoms and Kshatriyas, a caste of scribes and scriptees, also use opportunities of the age to become politically important. जैसे हमने देखा कि व्हील का इन्वेंशन हुआ, टाइम में धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, और एक ऐसा टाइम आया जब जितने भी कास्टिज्म थे, जितने भी लोग थे, अलग अलग ग्रुप्स थे, वो सारे चाहते थे कि हमारा एक क्या हो, एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो, अब हमारे पास एक गोल्डन चांस है हमें अपनी कम्युनिटी, हमें अपना किंगडम बिल्ड करने का। तो जितने भी ऑल ओवर जगह थी वहां के जितने भी जो लीडर्स थे वो सामने आए, उन्होंने अपनी कम्युनिटी बिल्ड करी, अपने एरियाज डिसाइडेड किए, और अगर उन्हें दूसरे में उसको विन करना था तो उनके लिए उनको वॉर करनी पड़ी थी। तो ये सब स्टार्ट हो चुका था। थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वाज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड चेंजेस फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज देन अदर। और जैसे हमने देखा कि सब क्या चाह रहे थे, पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट हो गया था अपनी जगह को सुरक्षित करना और एक सोसाइटी को, पूरी सोसाइटी को अपने हिसाब से वहां बसाना। तो जितने भी जंगल थे जंगलों को काटना शुरू किया, क्योंकि जंगल में रहना तो पॉसिबल नहीं है, जानवर का डर, बहुत सारे डर होते थे, तो जंगलों को काटना शुरू किया, ऐसी जमीनों को साफ किया जहां पर एग्रीकल्चर पॉसिबल था, उन्होंने क्या करा वहां पे फार्मिंग करी और वहां पूरी कम्युनिटी को बिल्ड करा। और एक ऐसा लीडर सामने आता था कि जो उस पूरी कम्युनिटी का जो सेफ करने का, उनके जो किंग थे, उनके लीडर थे, उनको सेफ करने का उनका क्या था, पूरा पूरा ड्यूटी थी उनकी सारी। उनमें क्या थे, उनमें मराठास थे, सिख थे, जाट थे, अहोम थे और राजपूत, जिनको जो क्षेत्रीय कास्ट थे वो भी सारे इंक्लूडेड थे। एंड चेंजेस इन देयर हैबिट्स फोर्स्ड मेनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट। और वो जो चेंजेस था बहुत सारे लोगों को क्या किया, माइग्रेट करने के लिए फोर्स किया, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले हमने देखा है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते थे, ट्रेवल करते थे, बट माइग्रेट होने का इंसेंस किया कि एक जगह छोड़कर वहां जो अच्छी जगह है, एक तो वो होता है, और एक दूसरा फोर्सफुली वहां जो रह रहा है उस एरिया को अपने किंगडम या फिर अपने जो सोसाइटी उसमें शामिल करके वहां के लोगों को बाहर भेजने के लिए, आप यहां से निकल जाओ, अब ये हमारा है। तो ये जो पॉलिटिकल राइट्स थे उस वक्त शुरू हो गए थे, जिनको हम वार या फिर डिस्प्यूट्स बोलते हैं। अदर्स स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकम पीजेंट्स। लोगों ने क्या करा, लैंड को काटना शुरू करा, साफ करना शुरू करा, और कुछ जो कम्युनिटी, अब यूं तो है नहीं कि अगर
एक ग्रुप है जिसमें 100 पीपल्स हैं, 100 लोग रहते हैं और सबके सब एक ही कम्युनिटी से, नहीं सब अलग अलग होते थे। कोई रूलर होता था, कोई सोल्जर होता था और कोई पीजेंट्स होता था। तो लोगों ने अलग अलग जो प्रोफेशनल है वो एक्सेप्ट किए और सबकी जो चॉइसेस थी, सबकी जो कहते हैं कि इंटरेस्ट था, वो अलग अलग प्रोफेशन में था। तो काफी सारे लोग, क्योंकि हमें जो प्रायोरिटी क्या थी वो फूड थी, तो मोस्टली लोगों ने क्या किया, जो फार्मिंग कल्चर था, जो एग्रीकल्चर कल्चर था, उनको पीजेंट्स को वो अपने आप को बना लिया कि हम क्या करेंगे, हम अब यहाँ पे जो है ना वो फार्मिंग करेंगे। तो जंगलों को साफ किया गया और जो पीजेंट्स जो ग्रुप था वो सबसे ज्यादा सामने आया। These new peasants group gradually began to be influenced by regional markets, chieftains, priests, monasteries and temples. और ये जो सबसे बड़ा ग्रुप था पीजेंट का, ये फार्मर्स का जो ग्रुप था, वो इन्फ्लुएंस हुआ किससे, वो सारे लोग जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते, जैसे कि रीजनल मार्केट्स थे वहां से इन्फ्लुएंस हुआ, चीफटेंस से इन्फ्लुएंस हुआ, प्रीस से हुआ, मोनेस्ट्रीज वहां टेम्पल, उन सब से इन्फ्लुएंस हुआ और क्या करना शुरू हुआ। तो जैसे लोग इन्फ्लुएंस हुए तो क्या करने लगे, उसको एक्सेप्ट करने लगे कि वो जो है हमारे लिए बस वही है। तो जब ये सब सिस्टम हो रहा तो धीरे धीरे नया सिस्टम आया टैक्स पेयर्स का, कि जब हम किसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर किसी के इन्फ्लुएंस दे, तो हम खुशी से क्या करते, दान करते थे, डोनेट करते कि हाँ ये जो हम आप, हम जो पीजेंट्स हैं, हम जो किसान जो खेती कर रहे हैं, उसमें से कुछ हिस्सा आप रख लो। तो वो क्या हो गए, वो एक तरह से जो जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहे थे वो उनसे सुपीरियर होने लगे, कैसे कि वो उनको टैक्स भर रहे थे और उनको कुछ करना नहीं पड़ा, हालांकि उनके बदले में वो कुछ सर्विस देते थे। बट धीरे धीरे ये जो चेंजेस था वो टैक्स पेयर में और फिर एकदम नेसेसरी हो गया कि आपको पे करना ही पड़ेगा, और सेफ्टी की बात तो दूर होने लगी। एंड दे बिकेम अ पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज एंड वर रिक्वायर्ड टू पे taxes and offer goods and services to local lords. क्या करने लगे कि जैसे टैक्स भरना, जो टैक्स सिस्टम था वो स्टार्ट हुआ। अब स्टार्टिंग में टैक्स सिस्टम ऐसे स्टार्ट हुआ था कि इन्फ्लुएंस हुए कि हम क्या करेंगे, हम सोल्जर्स हैं, हम आपको जो आपका लैंड है उसको सेफ रखेंगे, किसी दूसरे ओपोनेंट को यहाँ पर अटैक नहीं करने देंगे, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए इतना करें कि आप हमें टैक्स के रूप में कुछ भी जो प्रोवाइड है, फूड है, ग्रेन्स है, वो आप हमें प्रोवाइड कराएं और हम आपको सिक्योरिटी देंगे। तो ऐसे करते सिस्टम स्टार्ट हुआ था और जो सोसाइटीज थी वो, जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ने लगी और इतनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में ये सारा जो सिस्टम था ये एक बिजनेस के रूप में स्टार्टअप हो गया पूरा का पूरा। और फिर बहुत टाइम बाद हम देखते हैं क्या हुआ कि लोगों को इन्फोर्स किया गया कि आपको सिक्योरिटी मिले ना मिले बट आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद होता है रिवोल्यूशन, बट हम कर रहे हैं रिवोल्यूशन से पहले की कहानी, जब वॉर नहीं हुए थे, जब लोगों ने एक नया एक सोसाइटी को एक बिल्ड किया था, अपनी सोसाइटी को बनाया था, एक नए कास्ट ग्रुप आए थे, लोग अपनी अपनी सोसाइटी में खुश रह रहे थे और ये जो डेवलपमेंट हो रहा था एक पर्टिकुलर हर एक सोसाइटी के अंदर, सिर्फ एक ही बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी रिलीजन थे, जितने भी कास्ट सिस्टम थे, उन सब के अंदर ऐसे डेवलपमेंट हो रहे थे, वो हो रहे थे कम से 750 से लेकर 1750 तक, ये पूरा जो चेंजेस था इस टाइम के अंदर आ रहा था। तो अब सिंपल सी बात है, जब चेंजेस आएगा तो टेक्नोलॉजी क्या होगी, बिल्ड होगी, लोगों का जो ब्रेन है वो ज्यादा काम करेगा और जो इम्प्रूवमेंट है सोसाइटी में, सोसाइटी की टेक्नोलॉजी में, सोसाइटी के रिसोर्सेज में, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, फिर नई चीज सामने आएगी। एज ए रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक, एक नया जो इकोनॉमिक जन है वो डेवलप हुआ एंड सोशल डिफरेंसेज इमर्ज अमंगस्ट पीजेंट्स, और इनके बीच में जो सोशल लाइफ का जो कह सकते हैं कल्चर है वो डेवलप हुआ, सोशल डिफरेंसेस है वो इमर्ज होने लगा, डिफरेंस इन द सेंस अलग अलग कम्युनिटी की, हम पीजेंट्स हैं, हम वॉरियर हैं, हम सोल्जर हैं, हम रूलर हैं, ऐसे करते एंड सम पोजेस। अब जैसे हम पता है कि जब पीजेंट्स आएंगे तो उनमें भी बहुत सारे होते थे, किसी के पास ज्यादा जमीन है, किसी के पास कम जमीन है। अब यूं तो नहीं कि पूरा लैंड है ये सबके पास इक्वल है, ऐसा नहीं होता था। अब जैसे ये हुआ कि जो ज्यादा है 80% एरिया है वो किनके पास होता था, जो रूलर है वहां के किंग है या फिर जो सोल्जर है उनके पास होता था, और जो ये इनमें ज्यादातर बड़े किसानों के पास और जो छोटा हिस्सा छोटे किसानों के पास। तो अब यहाँ क्या डेवलप हो रहा है, यहाँ डिफरेंसेस आ रहे हैं सोसाइटी में, डिफरेंसेस आ रहे हैं कि अमीर
गरीब और मिडिल क्लास, ये ऐसे सोसाइटी है जो इस तरह से बाद में डेवलप हुई धीरे धीरे। और फिर हम देखते हैं कि जैसे नए नए ग्रुप आ रहे हैं कि जो रिच थे वो उन्होंने अलग ही बनाया कि हम अमीर हैं, तो हम उन्हीं लोगों के साथ बात करेंगे जो हमारे लेवल के हो। मिडिल क्लास ने क्या करा, वो ऐसे थे लोग जो एक अर्निंग कर तो रहे थे बट जितने फर्स्ट क्लास वाले थे, जितने रिच थे उतने अमीर नहीं थे। मैं बात करूं सेकंड क्लास की यानी मिडिल क्लास की, उनके पास पैसा इतना था कि वो जो अपने सोर्सेज हैं उनका जो यूज है वो ठीक ठीक तरीके से कर सके, ज्यादा ना तो ज्यादा है उनके पास ना बहुत ज्यादा कम है, है ना। और थर्ड नंबर पे आया जो पुअर क्लास है, पुअर की बात करें दिस जो वेजेस लेबर होते थे, जो सिर्फ दिन का मेहनताना के बेस पे काम करते थे, किसी और के साथ काम करते थे, कहीं पर जाया मेहनता मिला और उनका एक दिन का गुजारा हुआ कुछ ऐसे, तो ऐसे अब क्या हुआ सोसाइटी में डिफरेंस आने लगा। और डिफरेंस जब आएगा तो हमें पता है कि जैसे ही लोगों के पास पैसे जो मनी पावर है अकॉर्डिंग टू लेवल होगी तो लोग उसी तरह से बात करेंगे कि अमीर है तो इनसे बात करो, गरीब है तो बात मत करो। तो ये क्रिएट करता है डिफरेंसेस, इन अनइक्वालिटी है जो फिर उस सोसाइटी में क्या हो रही थी, बिल्ड हो रही थी। सम पोजेस मोर प्रोडक्टिव लैंड, इसके कुछ किसी के पास क्या हुआ मोर प्रोडक्टिव, बहुत ज्यादा मतलब कम एफर्ट में ही बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलते थे। अदर्स आल्सो कीप्ड कैटल, लोगों के पास जानवर थे, गायें थी, एंड सम कंबाइंड आर्टिसनल वर्क विद एग्रीकल्चर एक्टिविटी ड्यूरिंग लीन सेशन। अब जैसे पूरा का पूरा किस पे बेस था, रेन पर बेस था, तो जब मॉनसून नहीं होता था, रेन नहीं होती थी, तब क्या करते थे वो उस लैंड को छोड़कर दूसरे जो वर्क थे वो करते थे। अब वो वर्क जो है वो कोई से भी हो सकता है, किसी को सर्विस देना, किसी के साथ काम करना, या फिर किसी के काम में या फिर बिल्डिंग में हेल्प करवाना, तो वहां से उसको जो वेजेस मिलता था उसी के सहारे वो गुजारा करते थे। एज सोसाइटी बिकम मोर डिफरेंशिएटेड, पीपल वर ग्रुप्ड इंटू जातीज और सब कास्ट and ranked on the basis of their background and their occupations। और जैसे हम देखते हैं कि उस सोसाइटी के अंदर डिफरेंसेस आया पैसों के नाम पर, लैंड के नाम पर, तो जो कास्टिज्म था वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा कि हमारा काम ये है, तुम्हारा काम ये, और उस पर्सन का काम ये है, और जो उनके वर्किंग प्रोफेशनल थे उसी हिसाब से उस कास्ट को क्या किया गया, रैंक किया गया कि हम हाई क्लास है, आप लोअर क्लास है, और ये मिडिल क्लास है। तो जब एक सोसाइटी के अंदर जब आपको टारगेट किया जा रहा हो एक पर्टिकुलर कास्ट के नाम पर या फिर एक रैंक के नाम पर, तो वहां जो डिफरेंशिएशन है वो बढ़ना पॉसिबल है। और फिर क्या होती है, फिर होते हैं डिस्प्यूट, होते हैं वार, होते हैं, है ना, फाइट्स होती हैं। तो कहते हैं कि ऑक्यूपेशन के नाम पर या फिर जो उनका बैकग्राउंड स्टेटस था उनके नाम पर डिफरेंशिएट होने लगा लोगों के साथ, टॉलरेंट होने लगा, टॉर्चर भी होने लगा। रैंक्स वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली, और जो उनकी कास्ट की रैंक थी वो परमानेंट नहीं थी, जिसके पास जितना पैसा उसकी रैंक उतनी हाई, एंड वेरिड अकॉर्डिंग टू द पावर इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल बाय मेंबर ऑफ द जाति। और जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज, ज्यादा जैसे कहा मैं, जैसे जितनी मनी पावर है उतनी ज्यादा हाई आपकी क्या हो जाएगी, रैंक हो जाएगी, रेपुटेशन हो जाएगी। जितने जिनके पास ज्यादा पैसा होता था उनकी रेपुटेशन ज्यादा होती थी। वही बात कर रहे हैं जैसे प्रीस्ट हुए, टेम्पल्स हुए, उनके पास उनकी रेपुटेशन थी बाय गॉड ग्रेस, है ना, भगवान बोलते थे भाई हम भगवान के दूत हैं ये। और जो फार्मर होते, पीजेंट होते, वो क्या करते हैं, उनको टैक्स पे करते थे, तो उनके पास पैसा जा रहा था। बात करें सोल्जर्स की, वो एक अलग ही कम्युनिटी थी पूरी, क्योंकि उनका काम था उस ग्रुप को सर्विस देना, तो वो क्या हो गए, वो उनके लिए जरूरी हो गए कि अगर यही सर्विस नहीं देंगे तो हमारे लिए क्या होगा, पंगा हो जाएगा। तो उनको भी अच्छी रैंक पे लाया, अच्छी रैंक पे उनको क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, हाँ ये अच्छी रैंक है। तो फिर जब कास्ट में हुआ तो बोला भाई ये ब्राह्मण है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो ऐसे करके क्या डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हो गया, किसके नाम पर, जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज थे वो अच्छे, कम थे वो लोअर क्लास। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, हमने देखा भाई मराठा देखा, जाति जाट देखा, सिख देखा, और इनका जो वेरिएशन था, इनका जो लेवल वेरिएशन था वो एरिया के वाइज भी अलग अलग होता था। जैसे यहाँ तीन एरियाज हैं, यहाँ पे तो जाट के पास बहुत ज्यादा है, यहाँ पर सिख के पास ज्यादा है, और यहाँ पर मराठा के पास ज्यादा है, तो इनकी पावरफुल जो इनकी लीडरशिप होगी वो इस एरिया में होगी। और जबकि हम देखते हैं कि यहाँ मराठा है तो यहाँ दूसरी कम्युनिटी क्या होगी, उनके पास रिसोर्स नहीं होंगे, तो यहाँ वो थोड़ा लोअर लेवल पे होंगे, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जाट ज्यादा पावरफुल है तो बाकी अदर्स हैं वो पावरफुल नहीं होते थे। तो ये वेरी करता था उन एरियाज पे, जिन एरिया में सबसे ज्यादा रिसोर्स जो है
वो ऑक्यूपाइड करते हैं, वो कम्युनिटी जो है, वो कास्ट जो है ऑक्यूपाई करती है. एंड जातीज फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन. और जब एक ही जाति के लोग एक साथ रहते थे तो क्या करते थे, रूल्स बनाते थे, खुद के लिए भी रूल बनाते और जो स्टेट होता था या फिर जो सोसाइटी होती थी वो भी रूल बनाती थी टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ दियर मेंबर, ताकि उनके मेंबर जो है वो एक पूरा मैनेजमेंट के हिसाब से रह सके. एंड दिस रेगुलेशंस वर इनफोर्स बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स एंड डिस्क्राइब्ड इन सम एरियाज एज द जाति पंचायत. क्या करते थे वो जो बुजुर्ग लोग होते थे, और ये हमें कल्चर है कि एल्डर्स की हमें क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए. जो बूढ़ा व्यक्ति है, जो बूढ़े दादाजी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके पास क्या है, ज्यादा एक्सपीरियंस होता है लाइफ का. तो कहीं ना कहीं ये भी सही बात है कि उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो उस लाइफ को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि उनकी उनकी जो लाइफ है वो एकदम पीक पर है, एंड पर है, कि हाँ उन्होंने सब कुछ देख लिया जो अब हमें हमने नहीं देखा. तो अगर मुझे एक्सपीरियंस लेना हो लाइफ के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ बैठना चाहिए. तो वहां से जो हमें नॉलेज मिलता है वो कहीं से नहीं मिलता. ये जो सोसाइटी ये भी हमें इतना नॉलेज नहीं देती जितना हमें जो एल्डर्स हैं हमारे वो दे देते हैं. इसलिए कहते हैं कि हमें एल्डर के साथ शेयर है या फिर बैठ है वो बैठना चाहिए. तो क्या होता था, जैसे ये जातीज के रेगुलेशन होने लगे, इनके रूल्स जो है डिसाइड होने लगे, तो वहां के जो बुजुर्ग लोग थे, एल्डर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, हम इसकी लीडरशिप करेंगे. लीडरशिप इन द सेंस कि जो रूल्स होंगे वो हम डिसाइड करेंगे और सभी बच्चों को क्या करने हैं, रूल्स फॉलो करने हैं. और एक पर्टिकुलरली जाति का जो एक एल्डर होता था, वो पांच छह लोगों का ग्रुप होता था, उन्हीं को बोला गया पंचायत. यानी फाइव मेंबर्स का ग्रुप बन के बन गया था पंचायत. और ये पंचायत का मीनिंग ही ऐसा होता है कि पांच जो लोगों का ग्रुप, और वो पांचों के पांचों कौन होते थे, एल्डर्स होते थे, बूढ़े बुजुर्ग होते थे. और हर एक जाति के पास अपने अलग पंच होते थे. तो अगर आपस में डिस्प्यूट हुआ है तो दोनों जातियों के जो पंच थे वो आपस में मिलकर फैसला लेते थे. अगर अगर किसी किसी जाति के अंदर कोई आपस में ना किसी इंटरन जाति के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई है या फिर कोई आपस में डिस्प्यूट हो गया है, तो वही पांच पंच जो है वो बैठकर फैसला लेते थे कि क्या सही है क्या गलत. जातीज वर आल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ दियर विलेजेस. और उनके लिए जरूरी होता था कि जिस गांव में वो रह रहे हैं उनके लिए भी क्या करें, रूल फॉलो करें. हालांकि एक गांव में अलग अलग जाति रहती थी, बट जाति के भी रूल होते थे और विलेज के भी रूल होते थे. जरूरी है अगर सिर्फ जाति के रूल फॉलो करें तो बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए पर फिर भी लोग करते थे. तो इसलिए जो विलेज के रूल है हमने जरूरी हो गए कि एक विलेज का मेंबर होने के लिए आप किसी को भी हार्म नहीं कर सकते, चाहे आप किसी भी कास्ट के हो, किसी को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, किसी को टॉर्चर नहीं कर सकते. तो ये ऐसे रूल्स थे जो सबको मानने जरूरी थे, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो. सर्वल विलेजेस वर गवर्न बाय चीफटेंस. और कुछ जो विलेज थे वो किसके द्वारा गवर्न किए गए थे, चीफटेंस के द्वारा. टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट. और उन सबको मिलाकर एक छोटा यूनिट बनता था स्टेट का. और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी तो हम आज देखते हैं कि जो कंट्रीज हैं वो पूरी एक डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो बन चुकी है, नेशन नए बन चुके हैं, स्टेट बन चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं. तो आज हमने क्या देखा, हमने एक नया जो सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप था जो नया सामने आ रहा था स्लोली स्लोली. और एक ऐसा टाइम था जब लोग बहुत ज्यादा उस टेक्नोलॉजी तो बिल्ड हो रही थी, लोग आइडिया शेयर कर रहे थे, लोग नए नए इन्वेंशन कर रहे थे. तब क्या हो रहा था, जो सोशल लाइफ है, जो सोसाइटी है वो इंक्रीज हो रही थी, नए नए ग्रुप्स आ रहे थे, नई नई जातियां जो है वो आ रही थी. और फिर लोगों का जो प्रोफेशनल था, जो फर्स्ट प्रोफेशनल था वो था फार्मिंग. पीजेंट्स की जो नंबर ऑफ पीपल थे वो बहुत ज्यादा थे, क्योंकि ज्यादातर लोग डिपेंड किस पे थे, फार्मिंग पे ही डिपेंड थे, उनके पास दूसरा ऑक्यूपेशन नहीं था करने को. तो जनरली जो बेस्ट पर्पज था या फिर बेस्ट प्रोफेशनल था उस वक्त वो था फार्मिंग. जबकि अगर मैं सिंपली कहना चाहूं, अगर कोई 100% कहीं की पॉपुलेशन है तो 90-80% या 80-90% जो पॉपुलेशन थी वो किस पे थी, वो पीजेंट्स थी, वो सारे किसान थे. तो कह सकते हैं कि जो फूड ग्रेन्स है जो भी डेवलप करते थे वो सारे पीजेंट करते थे. और अगर जरूरत पड़ती थी भाई, अगर हम पे अटैक हो रहा है, तो वही पीजेंट क्या करते थे, उस पर्टिकुलर एक आर्मी में ज्वाइन होके हेल्प करते थे उनकी. तो सबसे ज्यादा ग्रुप किसका था, पीजेंट्स था. और इंडिया में बात करें तो सबसे ज्यादा जो जिस बिजनेस पे लोग बेस हैं वो है फार्मिंग, है ना. भारत में सबसे ज्यादा प्रचलन है वो कृषि का ही है, और सबसे ज्यादा जो डिपेंडेंसी है वो कृषि पर है, यानी फार्मिंग पर ही है. तो हमने
लास्ट वाले दो लास्ट वाले सेशन में न्यू ओल्ड टर्मिनोलॉजी कर ली थी, हिस्टोरियंस ऑडियंस रिसोर्सेज भी कर लिए थे, और इस वाले में हमने देखा कि न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स कौन कौन से आए थे, और साथ में देखा हमने पांच जो मेंबर का होता था ग्रुप होता था उनको पंचायत कहते हैं हम, और पंचायत का कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे विलेज थे, कैसे स्टेट बने, और हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो कि रीजन एंड एम्पायर की जो छोटे छोटे स्टेट थे वो कैसे एक पूरा का पूरा रीजन बने, क्योंकि यहाँ तक अभी हमने देखा कि रूलर्स तो थे वो इतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे, बट जो जाति थे जैसे मोस्टली हमने देखा राजपूत वॉरियर्स हुआ करते थे वो तो थे ही, बट रूलर तो था जो था वो इतना पावरफुल सेट नहीं कह सकते क्योंकि इतना बिल्डअप नहीं हुआ था, और जो बाद में एक पूरा का पूरा रीजन बनेगा, पूरा का पूरा एम्पायर बनेगा जिसमें मराठा एम्पायर, जाट एम्पायर, सिख एम्पायर हम बात करेंगे पूरा, वो एम्पायर कैसे बिल्ड हुआ और कैसे कैसे उनका जो डेली लाइफ सर्वाइव था, कैसे तो रूल्स थे वो कैसे अप्लाई किए जाते थे, या फिर कैसे वहां का जो डेमोक्रेसी थी या फिर जहां वहां का रूलिंग सिस्टम था वो कैसा था, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे ट्यून ऑन विंसम इंटरनेशनल स्कूल, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।